जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की फसल कटती है वैसे ही खनन माफिया एक्टिव हो जाते हैं और दिन रात अवैध तरीके से मिट्टी भराई के कार्य में जुट जाते हैं। वहीं शासन प्रशासन की आंखों के सामने प्रदेश के मुखिया के आदेशों को चुनौती देते नजर आते हैं। शायद ही प्रदेश में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ खनन का कार्य जोरों पर ना हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छाता तहसील के गाँव खायरा से, जहां एक किसान की जमीन से खनन करने वाले ने रेत को जबरदस्ती मिट्टी को उठा ले गए। जैसे ही किसान को पता चला तो खनन करने वाले अपनी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को भगा ले गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए किसान यादराम ने बताया कि रात हम घर सोए हुए थे, हमें सूचना मिली कि हमारे खेत में से गांव का व्यक्ति मिट्टी की चोरी कर रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो मिट्टी चोरों ने खलबली मच गई और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगे। जैसे ही हमने रोकने की कोशिश की तो मिट्टी चोरों ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जैसे तैसे साइड में कूद कर हमने अपनी जान बचाई। वहीं आदराम ने बताया कि पहले भी हमारे खेत की मिट्टी चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत हम खनन अधिकारी और एसएसपी साहब से शिकायत कर चुके हैं, मगर इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें किसी का भी डर नहीं है। कल रात तकरीबन इन्होंने 600 ट्रॉली मिट्टी उठा ले गए। आज हम एसडीएम महोदय से गुहार लगाने आए हैं, उन्होंने हमने अपनी शिकायत दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात में दिन में आवास दो मिट्टी को उठा रहा है चोरी जो ऐसी। ये जो मिट्टी का खनन चल रहा है कि आप ही जोरों से चल रहा है, तो ये क्या रात में चोरी कर रहे हैं? रात में चोरी कर रहे हैं। अब आपके कितने खेत की खुदाई की है? ये लंबर ऐसा होगा एक डेढ़ बीघे लंबर होगा, एक एकड़ का होगा ये लंबर। ये किन किन लोगों ने खुदाई की है? ये 1090 की चोरी। तो जैसे आपको खुदाई के मौके पर खेत पर आए थे तो क्या कहा है उन लोगों ने? वे तो अधगा मशीन को लेके भाग गए तुरंत। ये आपके पास में उनकी फुटेज तो हैं? हाँ फुटेज है मेरे पास। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये क्या चाहता हूँ इनको कार्रवाई की जाए इनकी। मैंने अधिकार खनन अधिकारी पर भी लगाई थी और एसपी पर भी लगाई थी। खनन अधिकारी यहाँ आ लिए देख के पहले मौके मायने, ये फिर भी लोग नहीं मान रहे। फिर भी ये लोग मान नहीं रहे, जबरदस्ती इन पर राजसी अधिकार नेतागिरी का वो दबदबा है। कुछ पुलिस की भी मिली भगत होगी फिर? बिल्कुल होगी। रहने वाले हरा, क्या कारण है जो आप आज उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं? मिट्टी उठी है। कहाँ से? हमारे खेत में थे। कितनी मिट्टी उठाई है, किन लोगों ने उठाई है? हरदयाल ने उठाई है। कहाँ का रहने वाला है हरदयाल? हारे का। तुमने बोला था उसको मिट्टी? नहीं बोला कोई नहीं, हमने एप्लीकेशन लगाई है। क्यों उठा ली उसने मिट्टी? जबरदस्ती है, ढींगरा आदमी उठा ही सकता है? तो मिट्टी तो परमिशन से उठती है? परमिशन कोई नहीं है उसमें, परमिशन किस लिए? कितनी मिट्टी उठ चुकी है? 500-600 ट्रॉली है। 500-600 ट्रॉली। तो आपको कब सूचना लगी इसका? हमें सूचना सुबह लगी है। अब उठी थी रात में? आज रात में उठी है। किससे उठाई गई थी मिट्टी? भविशाला से। मशीन से उठाई गई? हाँ। तो सूचना आपने उधर पुलिस को नहीं दी? भैया ये पतो पड़ी है, पहुँचे जो तो भगा लेंगे, मशीन साला उठा दूँ क्या लगता है? उसको बोला कि मिट्टी क्यों उठाई है? तो जबरदस्ती आदमी बांध उठवाई, हरदयाल ने बेची है। जब आपने उससे मौके पे जाके मना किया था तो क्या कहा है उसने? मगर मेरे खेत है, जबरदस्ती उठा रहा हूँ मैं, जब दंग आदमी खतौनी नाम है हमारा। उसका भी हिस्सा है उसमें? हाँ हिस्सा था, उसका आधा आधा है, आधा आधा है ना, शामिल खाता है। खेत है तुम्हारा? निजी खेत है? हाँ जी निजी है। कौन चुराता है मिट्टी? वो हजाल। कब चुराई? रात में चुराई है। तो किससे भर के लेके गए हो? ट्रॉली से लेके, मशीन जो वैसी नहीं है वो, जैसी चला था रंगशाला बोलते हैं उसको, उससे उठवाई है और कम से कम 600 ट्रॉली मिट्टी उठी है। कितने खेत से मिट्टी उठाई है? ये हमारे जो नंबर अधिकार 5090 कौन सा है इसमें? 564। तुम्हें पता नहीं चला? नहीं पता चला, हम पहुँचे मौके पर तो हमको गाड़ी गलौज और चढ़ा दिया और लगा लगे।